दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था जेटाप 9 स्पीड 1110 डीडी गियर का मेंस आप कैसा असेंबल करते हैं। अगर दोस्तों उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 स्पीड गियरबॉक्स कैसा फिटिंग करते हैं। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत क्या आती है मेन शाफ्ट का फॉर्क फिटिंग करने में, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा कि दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना, गियरबॉक्स रिपेयरिंग करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, गियर बॉक्स की हाउसिंग में हमें रिवर्स गियर को फिटिंग करना है। रिवर्स गियर का जो लंबी कॉलर वाला भाग है वो नीचे साइड में रखना है और प्लेन कॉलर वाली ऊपर में, और कुछ इस प्रकार से हमको गियर को डाल के रख देना है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें मेन शाफ्ट असेंबल को फिट करना है, लेकिन उससे पहले हमें दोस्तों गियर शिफ्ट फॉर्क को फिट करना है ब्रॉस पैड लगाकर उसी के अंदर। उसके बाद में डायरेक्ट मेन शाफ्ट को गियर बॉक्स हाउसिंग के अंदर फिटिंग कर देना है कुछ इस प्रकार से। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है, गियर शिफ्टर फॉर्क जो है गियर शिफ्टर रेल के साइड में होना चाहिए। रेल उसी को बोलते हैं जो पट्टी मैंने बोला था ना पहले। उसके बाद दोस्तों दोनों साइड का आर्टिकुलेशन बोल्ट को फिटिंग कर देना है। आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं आर्टिकुलेशन बोल्ट। ओके, दूसरे साइड का भी हमें आर्टिकुलेशन बोल्ट को फिट कर लेना है। ठीक, उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों इसको टाइट नहीं करना है, आप लूज ही रखना है। ओके, अब चलिए हम मेन शाफ्ट को घुमाकर देख लेते हैं, मेन शाफ्ट सही तरीके से फिट हुआ या नहीं हुआ है तो क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं एकदम क्लियर है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये है गियर शिफ्टर रेल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें लो हाई और रिवर्स का रेल को फिट करना है। इसका पार्ट नंबर देख लेना दोस्तों, लास्ट में 111 है, ये आएगा रिवर्स और लो हाई गियर में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको उसमें फिटिंग कर देना है और इसको छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों एक नंबर और दो नंबर गियर का गियर शिफ्टर फॉर्क फिटिंग करना है स्लाइडिंग पैड लगाकर। ये एक नंबर गियर और दो नंबर गियर जब लो गियर लगा रहता है तो एक नंबर दो नंबर काम करता है, और जब हाई गियर लग जाता है तो यही गियर एक नंबर दो नंबर पाँच नंबर छः नंबर का काम करता है। अब हमें गियर शिफ्टर फॉर्क का आर्टिकुलेशन बोल्ट को फिटिंग कर देना है। ठीक है, फिटिंग करना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो जो गियर शिफ्टर फॉर्क का है उसका सेंटर मिलाना होगा और उसके बाद में दोस्तों आर्टिकुलेशन बोल्ट को फिटिंग कर देना है। अब इसके बाद में गियर शिफ्टर रेल देख सकते हैं, ये सेंटर में जो होल है, ये सेंटर में जो होल है वो वाला जो है बीच में ही फिटिंग होगा, जो तीनों रेल के बीच में फिटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर और दो नंबर गियर का फॉर्क फंसता है और इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं लास्ट में 014 है, और ये लगेगा सेंटर में एकदम ईजी। जैसा हमने फर्स्ट वाला डाला था रेल, उसी प्रकार से हमको दूसरा भी डालना है। और लेकिन हमें जो एक नंबर और दो नंबर का जो फॉर्क है उसको देखो वो गाला में इस प्रकार से मिला लेना है, उसके बाद में ऐसे ही इसे छोड़ देना है। ठीक, अभी मजा आएगा ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना यार, और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही लाइक कम आ रहे हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं अब हमें स्लाइडिंग स्लू को फिटिंग कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हमें सेंक्रो किट डालना है। लेकिन दोस्तों हमने बताया था मेन शाफ्ट में सेंक्रो किट कैसा डालते हैं, तो आप उसी प्रकार से डाल लीजिए। लेकिन मैंने बताया था कि जो टेपर रोलर बेयरिंग है उसके जस्ट नीचे एक सील डलता है, सो हमने डाल दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। आप इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सेंक्रो रिंग फिटिंग करते हुए पहले ही दिखा दिया है मेन शाफ्ट फिटिंग में। अब हमें क्या करना है, सेंक्रो रिंग का कॉलर मिलाकर सेंक्रो रिंग को फिटिंग कर देना है। उसके बाद में आप स्लाइडिंग स्लू को पकड़ के न्यूट्रल पोजीशन पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्लच बॉडी को भी फिटिंग कर लेना है। दोस्तों अब हमें गियर शिफ्टर फॉर्क फिटिंग करना है तीन नंबर और चार नंबर गियर का स्लाइडिंग पैड लगाकर। इसके बाद दोस्तों हमें आर्टिकुलेशन का दोनों बोल्ट को फिटिंग कर लेना है फॉर्क में होल मिलाकर। अब दोस्तों हमें गियर शिफ्टर रेल फिटिंग करना था, बट लेकिन हम सबसे पहले ले शाफ्ट असेंबल को फिट कर लेंगे। और ले शाफ्ट असेंबल को फिट करने के लिए दोस्तों क्या करना है, अपने को जो मेन शाफ्ट है उसको हल्का सा इस साइड खींचना है और उसके बाद दोस्तों ले शाफ्ट ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन दोस्तों हमने अभी जितने भी गियर फिट किए उसके साथ में हम गियर शिफ्टर रेल को एक एक करके फिट कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं,
एक साथ तीनों गियर शिफ्टर रेल को हम फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो गियर शिफ्टर रेल हम फिटिंग करते हैं उसके नीचे में एक प्लेट लगती है, उस प्लेट को अगर आप निकाल लेते हो तो एक साथ में गियर शिफ्टर रेल को आप फिटिंग कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिटिंग करके भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको गियर शिफ्टर रेल को फिटिंग करना होगा वो है 111 पार्ट नंबर, जिसका लास्ट में है, और ये है लो हाई एंड रिवर्स का गियर शिफ्टर रेल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हमें रिवर्स के फार्क में फंसाना है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ किस प्रकार से कैसा फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम सीधा सीधा जो रिवर्स के फार्क में जाके फंस गया है। अब दोस्तों हमें दूसरी गियर शिफ्टर रेल को फिटिंग करना है, जिसका पार्ट नंबर 014 है, और ये जो है एक नंबर दो नंबर लो में काम करेगा, और यही जो है हाई गियर लगने के बाद में पाँच नंबर और छः नंबर में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सीधा सीधा फिटिंग कर देते हैं, और जो एक नंबर और दो नंबर का जो फॉर्क है उसके कॉलर को इसमें फिट करना है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं एकदम सेंटर में फिटिंग हो गया है। अब चलिए हम तीसरा फिटिंग करते हैं, जिसका पार्ट नंबर लास्ट में 914 है, और गियर शिफ्टर रेल को फिटिंग करने के लिए एकदम सीधा सीधा फिटिंग करना है दोस्तों, और ये है तीन नंबर चार नंबर गियर का, जो कि लो में काम करेगा और हाई में करेगा सात नंबर आठ नंबर गियर, जो कि आप देख सकते हैं एकदम इजी है, और ये लास्ट वाला जो बैठा है आप देख सकते हैं किस जगह पे ये फिटिंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गियर शिफ्टर रेल को फिटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टॉप शॉफ्ट लगा लेते हैं, मतलब इनपुट शॉफ्ट, है ना। उसके बाद में दोस्तों हम एक काम करते हैं, जो रेल हमने फिटिंग किया है गियर शिफ्टर रेल, उसके बाजू में हम कपड़ा लगा देते हैं ताकि वो खिसके ना। उसके बाद में हम फिलहाल के लिए टॉप कोर को ऐसे ही लगा दे रहे हैं, सिर्फ दो बोल्ट टाइट कर देंगे इसमें, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, गियर बॉक्स को घुमाना होगा, मतलब पलटाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इसको पलटा लेते हैं, और देख सकते हैं दोस्तों हमने गियर को पलटा लिया है, और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं गियर शिफ्टर रेल के पास में यहाँ पे वो प्लेट लगती है जो कि हमने निकाल दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये कुछ इस प्रकार से होता है, और ये इस तरह से ऐसा फिटिंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अभी स्प्रिंग और एक वाल्व भी लगेगा, और ये जो पट्टी है बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें एक लॉक लगता है, इसके ऊपर लॉक को डालना है, लॉक अच्छे से फंसाना है अपने को, क्योंकि जो लो हाई गियर का जो फर्क आता है ना यहीं से आता है, तो ये पट्टी का जो कॉलर है वो मैच करना है प्रॉपर आपको। उसके बाद दोस्तों रिवर्स गियर का पिन डालना है, रिवर्स गियर को सेंटर में लेना है, उसके बाद में धीरे धीरे हल्का हल्का पिन के ऊपर चोट मारना है, एकदम आसानी से रिवर्स गियर का पिन फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पिन के ऊपर एक लॉक लगता है रिवर्स गियर का, उसको भी हमें लगा लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमें सन गियर को फिटिंग करना है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं सन गियर में नीचे साइड में कॉलर है और ऊपर साइड में प्लेन है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको सन गियर को फिटिंग करना है। ठीक है, बदल लिया साला। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर भी एक लॉक लगेगा सन गियर के ऊपर। ठीक, तो देख सकते हैं हमने लॉक भी फिटिंग कर दिया है। अब पीछे का काम हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब चलिए हम गियर बॉक्स को फिर से घुमा लेते हैं, और घुमाने के बाद दोस्तों हमें फिर से टॉप कोर को ओपन करना होगा। दोस्तों अगर आप मैकेनिक ज्ञान चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और जिस जगह पे टॉप कोर फिटिंग होना है उस जगह पे पहले तो हम एनाबोन लगा लेते हैं, उसके बाद में गैस्केट फिटिंग कर लेंगे। और देख सकते हैं ये ऑयल पंप का फिल्टर है, और ये कहाँ पे फिटिंग होता है आप देख लीजिए, ये रहा इसका जगह ऑयल पंप फिल्टर का फिटिंग होने का, और एकदम इजीली सिर्फ ऐसे उठा के हमको डाल देना है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा लाइट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये कुछ इस प्रकार से फिटिंग होता है। ठीक है, और इसमें एक ऑयल पंप भी लगता है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जब टॉप कोर फिटिंग करूंगा। उससे पहले दोस्तों गियर शिफ्टर रेल का लॉकिंग प्लेट को अपने को फिटिंग करना है, तो लॉकिंग प्लेट का जो होल है वो अंदर साइड गियर साइड में होना चाहिए, आप लोगों को ये ध्यान देना है, और उसके बाद में दोस्तों हमें टॉप कोर लगा देना है। लेकिन टॉप कोर लगाने से पहले दोस्तों ऑयल पंप का पाइप हमें एक्यूरेट सही जगह पे फिटिंग करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी बेंड हो जाएगा ना तो गियर सीज हो जाएगा। और देख सकते हैं ऑयल पंप का ये कॉलर दिया हुआ है, जो कॉलर एकदम शाफ्ट के ऊपर मैच होना चाहिए, काउंटर शाफ्ट के ऊपर। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों हमने टॉप कोर को फिटिंग कर दिया है, और देख सकते हैं ये है ऑयल पंप। ठीक, तो ये इसी से पूरा जो गियर को है, बूस को, और
जहाँ मतलब ऑयल नहीं पहुँचता है उस जगह पे भी ऑयल पहुँचाने का काम ये ऑयल पम्प करता है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं, हमने टॉप कोर लगा दिया है। अब ये सारे टॉप कोर के बोल्ट को लगाकर अच्छे से टाइट कर लेना है। अब जो अगला हमारा जो वीडियो आने वाला है वो दोस्तों प्लैनेटरी गियर के बारे में, जो कि लो हाई से रिलेटेड होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। बाय।